गुड मॉर्निंग एवरी वन इन टूडेज क्लास वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर दैट इज़ यूनिट नंबर टू चैप्टर वन ग्राउंडस ऑफ इंडक्शन ठीक है तो न पहले डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कि एक बार देख लेते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन का मतलब क्या है ग्राउंडस ऑफ इंडक्शन का मतलब है कि इंडक्शन को इस्टब्लिश करने के लिए ठीक है इंडक्शन पर हम लोग क्या करते हैं जनरल रियल प्रोपोजीशन को इस्टब्लिश करते हैं लाइक ऑल आर मॉडल तो ऑल क्रोज आर ब्लैक ये सभी चीज़ें इंडक्शन के पार्ट हैं तो इंडक्शन पे हम जब भी कोई कंक्लूशन को एस्टैब्लिश करते हैं उसके लिए हम जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं ठीक है जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं मतलब जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करके जिन थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करके हम एक जनरल रियल कंक्लूशन ड्रॉ करते हैं उसको बोला जाता है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन किस को बोला जाता है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके मैंने इंडक्शन को एस्टेब्लिश किया है ठीक है सोच लो कि ये इंडक्शन है ठीक है इंडक्शन है तो अभी इंडक्शन को एस्टेब्लिश करने ये हुआ इंडक्शन का ग्राउंड इंडक्शन जो है ये इस लाइन पे खड़ा है ये इंडक्शन जो है ये इस लाइन पे खड़ा है सो so, ये जो ग्राउंड है इंडक्शन का ठीक है ग्राउंड ऑफ इंडक्शन मतलब जिस चीज के ऊपर डिपेंड करके इंडक्शन को खड़ा किया गया है इसको बोला जाता है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन ठीक है तो इस चैप्टर पे फर्स्ट कंटेंट्स को देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यह है कि इंट्रोडक्शन को पढ़ाई करेंगे जहां पे हम जानेंगे कि ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन का मतलब क्या है क्यों हमें पढ़ना है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन ठीक है उसके बाद मीनिंग जो है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन का वो है उसके बाद फॉर्मल ग्राउंड एंड मटेरियल ग्राउंड ऑफ़ इंडक्शन ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं एक है फॉर्मल ग्राउंड और एक है मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन लेकिन इस चैप्टर पे हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ग्राउंड्स जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे मतलब लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन ये फॉर्मल ग्राउंड ऑफ़ इंडक्शन है ठीक है तो ये ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन को हम स्टार्ट करेंगे या फिर इस चैप्टर पे हम पढ़ाई करेंगे लास्ट में हम पढ़ाई करेंगे पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन का मतलब है मिल ने अपना ही एक इंडक्शन दिया था जे एस मिल ने जिसको बोला जाता है पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन ठीक है तो ये क्या है वो भी हम जानेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास द एम ऑफ इंडक्शन इज़ टू एस्टेब्लिश ए जनरल रियल प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम काइंड इसका मतलब क्या है द एम ऑफ इंडक्शन इंडक्शन का मेन उद्देश्य क्या है इंडक्शन पर हम एक जेनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टब्लिश करते हैं और इस जेनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं ठीक है ऑब्जर्वेशन करते हैं ऑफ सम पर्टुलर इंस्टेंसेस सम पर्टिकुलर चीज़ों को देखे हम जब एक जनरल रियल कंक्लूशन को ड्रॉ करते हैं तब इसको बोला जाता है इंडक्शन ठीक है अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं तुम लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट मेयरली सींग समथिंग ठीक है ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक चीज़ को देखा है ऑब्जर्वेशन और परसप्शन ये दोनों चीज़ जो है ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन पी ई आर सी ई पी टी आई ओ एन ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन बहुत थिंग्स आर डिफरेंट ये दोनों चीज़ें जो है वो डिफरेंट है ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि देखना ठीक है तुम देखो टू सी लेकिन इट इज़ ए केयरफुल वॉच केयरफुल वॉच मतलब क्या है तुम्हें पूरा ध्यान से अगर तुम किसी चीज़ के ऊपर देखते हो तो इसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन परसेप्शन मीन्स मेयरली ए सींग समथिंग मी आनली सींग समिंग मतलब तुम अगर किसी चीज़ को ऐसे ही देखते हो देन इट इज़ कॉल्ड परसेप्शन फॉर एक्जाम्पल एक तुम एक ज्वेलरी शॉप पर गए ठीक है ज्वेलरी शॉप पर जाके तुमने बहुत सारे ज्वेलरीज को ऐसे ही दिखा है ठीक है तो इसको बोला जाता है परसेप्शन ठीक है उसके बाद तुमने केयरफुल्ली एक ज्वेलरी को लेके बहुत टाइम तक इसको ऑब्जर्व किया है कि इसके प्राइस क्या है प्लस इसको पहनने से कैसा लगेगा ये सभी चीज़ें तुमने ऑब्जर्व किया है ठीक है देखा है तो इसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन इज ए ऑब्जर्वेशन इज ए रेगुलेटेड परसेप्शन विद ए डेफिनेट परपज इन व्यू ठीक है ऑब्जर्वेशन इज ए रेगुलेटेड परसेप्शन विथ ए डेफिनेट परपज इन व्यू तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑब्जर्वेशन जो तुम कर रहे हो उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए ठीक है प्लस योर ऑब्जर्वेशन जो है तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए तभी इसको ऑब्जर्वेशन बोला जाएगा अगर तुम किसी भी चीज़ को केयरफुल्ली देखते हो तो इसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे क्या होता है इंडक्शन पे हम एक जनरल रियल कंक्लूशन को ड्रॉ करते हैं ठीक है जनरल रियल प्रपोजिशन को हम ड्रॉ करते हैं और इसके लिए हम केयरफुल्ली याद रखना केयरफुल्ली ऑब्जर्व करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को ठीक है देन विद द हेल्प ऑफ जनरलाइजेशन इंडक्शन एस्टेब्लिश द कंक्लूशन उसके बाद हम जनरलाइजेशन करते हैं जनरलाइजेशन करना मतलब हम कुछ इंस्टेंसेज को देखते हैं देखने के बाद एक कंक्लूशन को ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग इंडक्टिव लिप भी बोलते हैं जी कुछ इंस्टेंसेज को देख के एक जनरल कंक्लूशन को ड्रॉ करना तो इंडक्शन का मतलब ऑब्जर्वेशन का हेल्प ले कर ठीक है ये जो ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इस ऑब्जर्वेशन का हेल्प लेके या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जनरलाइजेशन का हेल्प लेके हम इंडक्शन क्या करते हैं इंडक्शन पे एक कंक्लूशन को एस्टेब्लिश करते हैं बट द प्रॉब्लम वन ऑल द कंक्लूशन दैट आर एस्टैब्लिश एज यूनिवर्सल रियल प्रपोजिशन आर नॉट ऑलवेज ट्रू देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सारे यूनिवर्सल प्रपोजिशंस है जो ट्रू नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आ, बोला है कि राम इज वाइज शामी इज वाइज सो चलो राम इज गुड लुकिंग शाम इज़ गुड लुकिंग जोदू इज़ गुड लुकिंग मधु इज़ गुड लुकिंग दे आर ऑल मैन आर गुड लुकिंग ये ट्रू होगा नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि कुछ कुछ जनरल रियल प्रपोजिशंस से जो रियल नहीं होता है ठीक है बट द प्रॉब्लम अराइजेज लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज होता है व्हेन ऑल द कंक्लूशंस सभी कंक्लूशंस दैट आर एस्टेब्लिश्ड बाय देट आर एस्टैब्लिश्ड एज यूनिवर्सल रियल प्रोपोजिशन जिन कंक्लूशंस को हमने एक यूनिवर्सल रियल प्रोपोजिशन बोला है वो ट्रू नहीं होता है ठीक है सम ऑफ देम आर ट्रू एंड सम ऑफ देम आर फॉल्स कुछ प्रोपोजिशंस ट्रू होते हैं और कुछ प्रोपोजिशंस फॉल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्विंग द मॉर्टलिटी ऑफ सम मैन इन आवर एक्सपीरियंस वी एस्टेब्लिश ए जनरल रियल प्रपोजिशन ऑल मेनान मॉडल कुछ लोगों के मोटिलिटीज को देख के ठीक है कुछ लोगों के मॉटिलिटीज को देख के हमने एक जनरल रियल कंक्लूशन ड्रॉ किया है कि ऑल मेनान मॉडल ठीक है दिस प्रपोजिशन इज ऑलवेज ट्रू ये प्रपोजिशन जो है ये हर वक्त ट्रू है बिकॉज मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था दिस प्रपोजिशन और दिस कंक्लूशन इज साइंटिफिकली प्रूव इन कंक्लूशन की ऑल मैन आर मॉटल दिस प्रपोजिशन इज टू इट इज़ एक्सेप्टेड बाई ऑल इसको सबसे सबने क्या किया है इसको एक्सेप्ट किया है देखो क्या बोला है द एम ऑफ इंडक्शन इज टू एस्टेब्लिश एस्टैब्लिश जनरल रियल प्रोपोजिशन ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इंडक्शन पे हम एक जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस करके मतलब कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को केयरफुली ऑब्जर्व करके ठीक है उसके बाद हम जनरलाइजेशन करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ठीक है उसके बाद देखो क्या होता है उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि कुछ कुछ यूनिवर्सल प्रपोजिशंस ये है कि जो ट्रू नहीं है देर आर सम यूनिवर्सल प्रोपोजिशन विच आर ट्रू देर आर सम यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस विच आर नॉट ट्रू तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि कुछ लोगों की मॉडलिटीज़ को देख के हमने एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टाब्लिश किया है कि ऑल मैन आर मॉडल ठीक है दिस प्रोपोजिशन इज ट्रू ये जो प्रोपोजिशन है ये ट्रू है बिकॉज ये जो प्रोपोजिशन है ऑल मैन आर मॉडल इसको सब ने सब ने क्या किया है इसको एक्सेप्ट किया है ठीक है सबने इसको एक्सेप्टेड बाय ऑल सबने इसको एक्सेप्ट किया है बट ऑब्जर्विंग द काइंडनेस ऑफ सम मैन इफ वी एस्टेब्लिश ऑल मैन आर काइंड देन इट इज नॉट ट्रू अगर मैं ये बोलूँ कि कुछ काइंड लोगों के काइंडनेस को देखा है कि कुछ लोग जो है वो अच्छे हैं ठीक है रामिज काइंड शामिज काइंड जोध इज काइंड मधु इज काइंड दे आर फॉर ऑल मेन आर काइंड सभी लोग के अच्छे हैं नहीं है तो बट ऑब्जर्विंग द काइंडनेस ऑफ सम मैन कुछ लोगों के काइंडनेस को ऑब्जर्व करके अगर हम एक जनरल प्रपोजिशन ड्रॉ करते हैं कि ऑल मैन आर काइंड दिस इज नॉट ट्रू ठीक है तो अभी ये तो प्रॉब्लम एराइज हो रहा है कि कुछ प्रपोजिशंस ट्रू आ रहा है कुछ प्रपोजिशन फॉल्स आ रहा है इसको कैसे सॉल्व किया जाए नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडक्शन डिपेंड्स ऑन टू ग्राउंड्स इंडक्शन दो ग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है सम लॉज एंड प्रोसेसेज सम लॉज एंड प्रोसेस मतलब सम रूल्स एंड रेगुलेशन भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं सम थ्योरीज एंड एक्सप्लेशनस ठीक है

दीज टू टाइप्स ऑफ ग्राउंड सर तो हमने पहले देखा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो ग्राउंड के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है इंडक्शन में प्रॉब्लम चल रहा है ठीक है इंडक्शन में ये इंडक्शन है इंडक्शन में प्रॉब्लम चल रहा है अभी इंडक्शन के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक ग्राउंड तैयार किया है तो ये इंडक्शन जो है अभी इस ग्राउंड पर खड़ा है तो यहाँ पर बोला गया है कि ग्राउंड जो है वो दो तरह के होते हैं एक है फॉर्मल ग्राउंड और एक है मटेरियल ग्राउंड फॉर्मल ग्राउंड में कौन-कौन आता है? है है याद याद। ना ना के टाइम पे किया था द लॉ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड द लॉ ऑफ कॉजेशन आर टू फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन को बोला जाता है फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन ऑब्जर्वेशन इन जनरल इज द मेटीरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन और ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है मेटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन अभी ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरह के होते हैं एक है सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक है एक्सपेरिमेंट ठीक है सिंपल ऑब्जर्वेशन मतलब सिंपली किसी चीज़ को केयरफुली देखना या फिर किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना मतलब तुम खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंट तो बोथ सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर इंक्लूडेड इन ऑब्जर्वेशन सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इन दोनों को ऑब्जर्वेशन पे इंक्लूड किया गया है तो फॉर्मल ग्राउंड पे कौन कौन आता है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कोजिशन मेटीरियल ग्राउंड पे आता है सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ठीक है याद है पूरा क्लियर हो गया ये चीज़ इंडक्शन पे हम एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टैब्लिश करते हैं ठीक है इस जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को देखते हैं उसके बाद हम जनरलाइजेशन करते हैं मतलब इंडक्टिव लीप करते हैं और एक कंक्लूशन को ड्रॉ करते हैं लेकिन प्रॉब्लम कब होता है जब कुछ प्रपोजिशंस ट्रू होते हैं कुछ प्रपोजिशंस फॉल्स होते हैं एग्जाम्पल लिया है एक ट्रू प्रपोजिशन का और एग्जाम्पल लिया है एक फॉल्स प्रपोजिशन का ट्रू फॉल्स प्रपोजिशन ट्रू प्रपोजिशन का एग्जाम्पल क्या है रामिज मॉटल श्या इज मॉटल जदूइज मॉटल मधु इज मॉटल दे आर फॉर ऑल मेन आर मॉडल ये ट्रू प्रपोजिशन है बिकॉज इट इज साइंटिफिकली प्रूवन साइंस ने इसको प्रूफ किया है एंड प्लस इसको सब ने एक्सेप्ट किया है अगर तुम किसी को जाके बोलोगे कि राम को मैंने देखा कि वो बहुत अच्छा वाइज है श्याम भी वाइज है उसका नाम क्या है जदू भी वाइज है मधुबी वाइज है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग बोले कि ऑल मैन आर वाइज देन इट इज़ रॉन्ग ठीक है तो वाइज मैन का मतलब क्या है वाइज टू मैन मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो लोग ठीक है तो सभी लोग तो ज्ञानी नहीं होते सभी लोगों के पास इंटेलिजेंस जो है वो एकदम मतलब सभी लोग पढ़े लिखे सभी लोग तो और पढ़े लिखे नहीं होते तो इट इज़ ए फॉल्स प्रोपोजिशन ये एक फॉल्स प्रपोजिशन है और ये एक ट्रू प्रपोजिशन है लेकिन इंडक्शन पे हम दोनों एस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉल्स भी ट्रू भी तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंडक्शन क्या करता है दो ग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है एक है आ, दो ग्राउंड अभी ये ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन क्या है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन पे क्या होता है कुछ लॉज होते हैं कुछ प्रोसेसेस होते हैं जैसे लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर लॉ ऑफ कोजिशन ठीक है प्रोसेसेस का मतलब है ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट इनको हम लोग प्रोसेसेस भी बोल सकते हैं तो कुछ लॉज एंड प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं और इन्हीं लॉज एंड प्रोसेसेस को ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन बोला जाता है तो ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं एक है फॉर्मल ग्राउंड और एक है मटेरियल ग्राउंड फॉर्मल ग्राउंड पे कौन कौन आता है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन एंड मटेरियल ग्राउंड पे कौन कौन आता है सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आता तो है सिर्फ ऑब्जर्वेशन लेकिन ऑब्जर्वेशन के अंडर पे और दो है तो सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर मेटेरियल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन एंड लॉ ऑफ़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कोजेशन आर फॉर्मल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन तो यहाँ तक आज हम रखेंगे ठीक है ये इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ये आज हमने डिस्कस किया है देखो कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे बोल सकते हो